अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ, शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए, दूर से निपट जाए। ये तो मर्द है। अरे चादर में दादा हम चालक बलमुआ तो कैसे हैं आप लोग। आज हम थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। बस फर्क यह होगा कि इस ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा का प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, या एक पुरुष से एक महिला में बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से होता हुआ दिखाया जाएगा। पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों के अनुसार आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, क्यों? अपनी एस्थेसी करवाने के लिए। वैज्ञानिकों ने हीटर का आविष्कार किया, क्यों? अपनी बारा बजवाने के लिए। क्योंकि भैया क्या फायदा इन चीजों का, जब तुम्हें किसी को ठंड लग रही है और गर्मी देनी है तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही होगा, जिस्म की गर्मी। तो आओ यार, सर्दियों के लिए स्वेटर वगैरह खरीदना बंद करो, किसी को पकड़ो, उसके जिस्म की गर्मी लो और शुरू करते हैं ठंड में कपकपाती हुई कन्या को अपने कटीले गोरे जिस्म से गर्म करते हुए अमित जी के साथ। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वो कर रहे हैं, वो मतलब समझ रहे हो ना, बलात्कार पे बलात्कार। तो भाई ये वो नहीं कर रहे हैं, ये तो मेडिकल साइंस की एक नई खोज है जिसमें सिर्फ तन से तन को मिलाया जाता है। जब तन से तन मिले हैं, गर्माहट की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए। इतना मोटा कोट पहन रखा है, स्वेटर पहन रखी है, वही उड़ा देते। पर नहीं, लड़की तो सिर्फ जिस्म की गर्मी से ही गर्म हो सकती है, और तो लड़की अकेले सो भी नहीं सकती क्योंकि सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम उसके साथ सो जाओ तो वही मौत की नींद सुकून की नींद में बदल जाएगी। बदल लिया साला। अगर हरामी कैरेक्टर और हरामी सीन्स की बात हो रही हो और अक्षय कुमार ना हो, ये कैसे हो सकता है? बहन डर गई। प्रोसेस पूरी सेम है, लड़की को ठंड लग रही है और बचाने का एक ही रास्ता है। इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। सही है भाई, वो पीछे दिया जला रखा है, ऐसा तो नहीं कि आग से दो चार लकड़ियां जला लूं, हाथों हाथ टी शर्ट खोल दी। बड़ा हरामी हो। अब जाहिर सी बात है, लड़की जागने के बाद क्या बोलेगी? और इसके बाद वही सेम सी इमोशनल बाबा सिर। इसे कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। लॉजिक, सेंस, इज्जत वगैरह सब बाहर में गया, तुम सिर्फ ताऊ का कॉन्फिडेंस देखो। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। वैसे ताऊ के मन में एक मलाल तो रहा होगा कि जब छापने ओनली गर्मी ही है तो फिर वो क्यों नहीं, जिस्म तो ताऊ के पास भी है। पुराने वाली फिल्मों में मौके देखे जाते थे कि कैसे जिस्म की गर्मी दी जाए, कैसे एक्साइटमेंट जगाई जाए, कैसे थिएटर में ठरक जगाई जाए। और पता है, इस गर्मी को लेने के बाद लड़की पहले थोड़ी सी सैड होगी, फिर इमोशनल होगी, फिर थोड़ी गुस्सा होगी और फिर उसी के प्यार में गिर जाएगी। साले मजाक बना के रखते हो। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? एक मजबूर औरत का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी। नहीं बेटी, अगर इसने सही वक्त पे तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी ना दी होती तो आज तुम जिंदा ना होती। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितना कि सावन का पानी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तो मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूं। ये दूसरी लड़की हमें जंगल में मिली और इसको तो सांप ने काटा। इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ठीक है ताऊजी, ताऊजी। आग भी रही है, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। अरे ताऊजी सोच क्या रहे हो, बेचारी ठंड से कांप रही है। कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है, बजा डाल। ये कल्याणकारी पुरुष, आप उसको गर्मी दे रहे हैं या अपनी गर्मी बाहर निकाल रहे हैं? अगर ये होता हुआ कोई लाइव देख लेना तो वो ये नहीं कहेगा कि वाह बहुत बढ़िया आप लड़की की जान बचा रहे हो, बल्कि दो शब्द आपको कुछ इस प्रकार से कहेगा, बलात्कारी आया बलात्कारी। ये लड़का हमें जंगल में मिला, बारिश में भीगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई। इसको गर्मी की सख्त जरूरत है लेकिन ये कमबख्त लकड़ियां खत्म हो रही है। ये क्या कर रही हो? जब तक मेरे बदन पर ये कपड़े तब तक मैं ये आग बुझने नहीं दूंगी। ये भीगा मौसम कल घटाए। अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ आ गए? पराए मर्द के सामने बिना कपड़ों के बैठे हो, मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो, अगर इस लड़की ने अपने कपड़े फाड़ कर ये आग न जलाई होती तो आज तुम जिंदा ना होते। क्या? ये दूसरा लड़का हमें जंगल में मिला, एक्सीडेंट में इसका पैर कट गया। ताऊजी,
इस बेचारे को तो डिप्रेशन हुआ है। ये लो, जाओ जाओ। ताऊ जी, बारिश में भीगने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है चंपा, भगवान न करे मुझे। ताई जी, हे भगवान, पापा। अब देखो, जिस्म की गर्मी बॉलीवुड से तो बहुत हो गई, थोड़ी इंस्टाग्राम की रील से भी ले लेते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। भाई दोनों एक एक डीजल से भीगी हुई मसाल लो और उसको अपने पिछवाड़े में डाल लो, आग मैं लगा दूंगा। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एक घंटा एक दूसरे को बर्बाद करोगे तुम? तुम दोनों बर्बाद उसी दिन हो चुके थे जिस दिन ये लोंडा प्रेग्नेंट हुआ था। बेचारी मन ही मन में सोच रही होगी कि खास थोड़ी सी और पढ़ लेती तो ये टिकटॉक के चैनल से तो बची जाती कम से कम। अरे रुक जा, बोतनी के सदमे में चली गई है वो, उसको सांस तो लेने दे बे। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो करण? चले जा यहाँ से। चला जाऊंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है। यह मल्टीवर्स के अजय देवगन की तीसरी औलाद के पांचवें प्रयास की पैदाइश। अपनी दुनिया में ये कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे ये इस टाइप के दाढ़ी के बल आज सुबह नहाते टाइम मैंने कहीं तो देखे थे, याद नहीं आ रहा। भाई साहब, न जाने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे इसने जो इस गेंडे को हर नई रील में नई नई मोड़ियां मिल जाती है। बाकी रही बात इस वीडियो की, तो भाई कप में पानी डालो और चारपाई से उसमें छलांग लगा दो, क्योंकि लॉजिक तुम्हें यहाँ घंटा नहीं मिलने वाला। यह आदमी साला ट्रक के पीछे नहीं छुपाया जा सकता, तुम इसको लड़की के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर आप ऐसे ही एटीट्यूड में रहेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। चाहिए भी नहीं। भाई एटीट्यूड तो खतरनाक है तुम्हारा, हम चार पांच लोगों का मुंह निकल गया था। पर भाई आप मधुमक्खियों के छत्तों को मत छेड़ा करो प्लीज। खैर छोड़ो, हमारे को क्या है, हमारे को तो सिर्फ पानी निकालना है। बाकी हमारी सेवाओं द्वारा आपको मजा आया है तो दूसरों को बताइए, और अगर मजा नहीं आया तो हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।